शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामविलास शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर रामविलास शर्मा का पुतला भी फूंका। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा जी, जो अपने आप को बड़ा शिक्षा विदित कहते हैं, उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी, वैसे तो इनका स्वभाव है, इन्होंने पहले भी सिरसा के अंदर एक कार्यक्रम था और उसके अंदर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। और भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो काम यही है कि कभी वो वैसे समाज को उपद्रवी गोत्र कहते हैं, कभी चार बच्चे पैदा करने की बात करते हैं और कभी बदकिस्मत कहते हैं। इनका एक स्वभाव बन गया अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इस पुतले के माध्यम से जो आज हमने यहाँ दाह संस्कार किया है, उनको ये चेताया जाए कि वो अपनी भाषा पर कंट्रोल करें और ऐसे अभद्र बोलने वाले आदमियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके हुए संगठन के अंदर, और इनको दूर का रास्ता दिखाएं ताकि ये भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की धरोहर जो है, इसको बचाया जा सके। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।